the perpendicular draw from the center to the chord is bisect the chord. तो सबसे पहले बना लेते हैं कि सर्कल हमने बना लिया कोई राइट या हमने बना लिया कोई सर्कल बना लिया ये मान लेते हैं हमारा कोई सर्कल दिया है अब ये दे रखा है सर्कल मान लेते हैं सर्कल का जो सेंटर है वो कितना ओ दिया हुआ है मान लेते हैं हमारा कोई सर्कल है इसका सेंटर कितना ओ है मान लेते हैं जो सर्कल है वो कितना सी है अब मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो कितनी आर गई और मान लेते हैं कि कॉर्ड ये ए बी इसकी जो है वो कॉर्ड है AB जो क्या है इसकी कॉर्ड ऑफ द सर्कल है क्योंकि C जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा सर्कल हो जाएगा O को सपोज कर रहे हैं हम सेंटर और AB सपोज कर लिया हमने कॉर्ड ऑफ द सर्कल अब आपसे बोला गया है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड सेंटर से ड्रॉ करना है मुझे इस पर परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां बनेगा 90 और यहां बनेगा कितना 90 डिग्री बनेगा ऐसे ही होगा देखो कि द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज बाईसेक्ट द कॉर्ड कि भाई आपको क्या करना है सेंटर से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर और वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करना चाहिए बाईसेक्ट करना चाहिए तो यहां पर आपने क्या करा कि आपने बनाया सी को सर्कल जिसका सेंटर ओ है ए बी इसकी कॉर्ड है साथ ही ये इसका परपेंडिकुलर है तो मान लेते हैं कि ये जो है वो कितना एम है आपसे बोल रहा है कि कॉर्ड को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना चाहिए सब विभाजित करना चाहिए तो बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना भाई अगर आपसे बोला है ऐसा कि मान लीजिए कोई लाइन दे रखी है आपको लाइन की जो लेंथ है कितनी 6 सेंटीमीटर है और अगर आपको इस लाइन को बाइसेक्ट करना है मतलब होता है इसका कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो जब आपसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस होगा वो भी कितना 3 सेंटीमीटर होगा दोनों डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर रहेंगे तो हमने क्या करा है हमने सपोज करा है कि AB जो है इसकी कॉर्ड है और OM जो है वो परपेंडिकुलर है तो मुझे AB को बाइसेक्ट करना है इसका मतलब मुझे AM इज इक्वल टू प्रूव करना है कितना MB करना है ये मुझे क्वेश्चन लेकर आना है कि भाई जो परपेंडिकुलर जो है वो AB को M पॉइंट पर बाइसेक्ट कट कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये A जो है वो MB के इक्वल आना चाहिए अब दोस्तों सबसे पहले तो हम ट्रिपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थ्योरम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखा था उसमें गिवन तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पर गिवन और गिवन में क्या आएगा तो गिवन में आएगा अ सर्कल सी हुज सेंटर इज ओ आ जाएगा अ सर्कल कितना है सी है जिसका सेंटर कितना है उसका सेंटर जो है वो ओ है और इसकी जो रेडियस जो है वो कितनी आर मान के चले कि मान लेते हैं कि मुझे क्या दे रखा है कि कोई सर्कल दे रखा है सी दे रखा है जिसका सेंटर तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी आर हो जाएगी अब दोस्तों ए बी बोला है उससे कॉर्ड है ए बी जो क्या है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है साथ ही ओ एन इज परपेंडिकुलर और ए बी जो ओ एन जो है वो ए बी पर क्या है परपेंडिकुलर है ये चीज हमें दे रखी है कि आपको दे रखा है कि सर्कल है इसका सेंटर जो है वो ओ है साथ ही रेडियस जो है कितनी आर है ए बी जो है वो कॉर्ड ऑफ सर्कल है एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है चलिए साहब अब हमें करना है प्रूफ तो टू प्रूफ की बात करें तो प्रूफ की अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा ए एम इज इक्वल टू कितना एम बी आ जाएगा जिसमें ये ए से लेकर एम तक का पोर्शन एम से लेकर बी तक के पोर्शन ये क्या आएगा इक्वल आएगा तो हमें प्रूव करना है कि जो एम जो है वो एमबी के इक्वल आ जाए फिर अगर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि ओ से ए और बी को ज्वाइन कर रहे हैं ओ से इस ए और बी को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो चले साहब ओ से हमने क्या करा ए और बी को ज्वाइन कर लिया ध्यान देंगे ज्वाइन ए एंड बी A and B with O क्योंकि O से आप क्या करो A और B को join कर लो उसे आप वहाँ से मिला लो तो हमने फिर सुनिएगा given में तो मुझे दे रखा है कि एक circle है इसका center C है साथ ही इसका circle जो है वो center circle जो है वो C है center उसका O दिया है साथ ही मुझे radius जो है वो कितनी R दे रखी है साथ ही AB जो है वो तो इसका chord है साथ ही OM जो है वो perpendicular है AB पर फिर प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को
बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि मुझे प्रूव करना है AM is equal to MB, ये मुझे लेकर आना है। फिर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, रचना की। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इस A और B को O से ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसे हम हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें, उसे हम बिंदुकित रेखाओं से निरूपित करें, तो उसमें थोड़ा सा पता चलेगा कि ये हमने कंस्ट्रक्ट करा है। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रूफ की, तो इसका प्रूफ जो होता है वो तो बड़ा ही आसान सा होता है कि प्रूफ के लिए हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं और दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा ओ एम ए है और एक ट्रायंगल हमारा ओ एम और साथ में कौन बी के रखा है, तो हम ले रहे हैं एक ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम और बी को ले रहे हैं, हम दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, ट्रायंगल हमारा ओ एम ए और ट्रायंगल हमारा कौन सा ओ एम बी है, ये ट्रायंगल हम ओ एम ए को लेंगे और ट्रायंगल हम लेंगे ओ एम बी को। इसके बाद में देखिएगा यहाँ कुछ इस तरह से केस बनेगा कि जो ओ ए जो आएगा वो इक्वल आएगा किसके, ओ बी के आएगा, जो हमारी रेडियस बन जाएगी। देखें ओ ए जो आएगा ये ओ ए इज इक्वल टू जाएगा कितना, ओ बी, क्योंकि ओ ए इक्वल टू बनेगा ओ बी, तो ये हमारी रेडियस बनेगी। वैसे ओ ए इक्वल टू आ गया हमारा ओ बी, फिर हम देखें तो यहां पर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी आएगा, क्योंकि एंगल ओ एम ए बी जो है वो कितना 90 डिग्री है और एंगल ओ एम बी भी जो है वो कितना 90 डिग्री है। देखिए ओ एम ए ये 90 है और ओ एम बी जो है वो भी कितना 90 डिग्री है, तो हमारा एंगल ओ एम ए इक्वल टू जाएगा एंगल ओ एम बी जो 90 डिग्री आ रहा है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो पहली फैक्टर आ जाएगी हमारी ओ ए इक्वल टू हो गया ओ बी, उसके बाद एंगल ओ एम ए इज इक्वल हो गया कितना एंगल ओ एम बी हो गया। फिर देखिए तो यहां पर अगर बात करो कि ओ एम जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, देख लो ओ एम जो है दोनों में क्या है कॉमन आ रहा है, तो ओ एम इज इक्वल टू कितना ओ एम, ये हमारी कॉमन हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, इसका मतलब कि जो ट्रायंगल ओ एम ए है वो हमारा कॉन्वेक्स है, ट्रायंगल किसके ओ एम बी के बाय आरएचएस होगा। देख लीजिए चेक करिए कि हमारा ट्रायंगल जो है वो ओ एम ए जो है वो ट्रायंगल ओ एम बी के क्या आ रहा है कॉन्वेक्स आ रहा है, कॉन्वेक्स आ रहा है वो भी आ रहा है किससे बाय आरएचएस से, और अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्वेक्स आ रहा है तो बाय सीपीसीटी, जिसे CPCT मतलब corresponding parts of the congruent triangle, तो अगर हम CPCT से लिखें तो जो मुझे prove करना है हम उसे ले लेंगे, तो AM is equal to MB आ जाएगा, ये हमारा प्रूव हो जाएगी, थ्योरम प्रूव हो रही है, जिसमें मुझे बोला गया था कि प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर है सर्कल का वो सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं वो कॉर्ड को हमेशा क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, तो हमने क्या करा है कि दो ट्रायंगल ले लिए हैं, दो ट्रायंगल ले लिए हमने उनसे ओ एम ए और ट्रायंगल ले लिया हमने कौन सा ओ एम बी, और दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। जब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उसमें हो जाएगा कि ट्रायंगल ओ एम ए इक्वल टू ट्रायंगल ओ एम बी में हमने देखा कि ओ ए इक्वल टू कितना ओ बी आ रहा है जो इसका रेडियस हो जाएगा, साथ ही एंगल ओ एम ए इक्वल टू जाएगा एंगल ओ एम बी होगा जो 90 डिग्री बनेगा, साथ ही ओ एम इक्वल टू ओ एम है ये इसकी कॉमन साइड है, और इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी से दोनों एंगल्स या जो हमें प्रूव करना है कि जो कॉस जो है वो बाइसेक्ट करें या एएम इक्वल्स टू एमबी आ जाए। तो जैसा ये तो हमने प्रूव कर लिया कि वे प्रूव कर रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है सेंटर से वो कॉस को जा करता है बाइसेक्ट करता है, अब इसी का हमें कन्वर्स प्रूव करना है, पे कन्वर्स होता है श्रीलंका कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ध्यान सुनिएगा ये क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद द कॉर्ड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद द सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, मुझे प्रूव करना है कि भाई जो कॉर्ड दे रखी है उसमें कोई मुझे मिड पॉइंट दे रखा है उसे अगर मैं क्या करूंगा सेंटर से जॉइन करो तो वो जो लाइन बनेगी वो कॉर्ड पे क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि जो ओ एम जो है वो एबी पर क्या हो
परपेंडिकुलर हो। एक क्वेश्चन मुझे इस तरह से देखा ना कि द लाइन जॉइनिंग द मीट पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। भाई आप जो कॉर्ड के मीट पॉइंट को अगर आप सेंटर से क्या करेंगे जॉइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो लाइन क्या होना चाहिए कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब O को M से जॉइन करने पर OM बनेगा और ये OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन जो M जो है वो AB का मिड पॉइंट है तो मुझे AM इक्वल्स टू MB ये मुझे गिवन है, ये मुझे दे रखा है कि जो AM जो है वो MB के क्या रहा है इक्वल आ रहा है। अगर AM जो है वो MB के इक्वल आ रहा है तो मुझे देखिए इस थ्योरम में प्रूव करना था कि AM जो है वो MB के इक्वल आना चाहिए जबकि इसमें मुझे AM इक्वल टू MB मुझे गिवन है। इसमें मुझे दे रखा था कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर इसमें हमें प्रूव करना है कि जो OM जो है वो AB पर क्या हो परपेंडिकुलर हो। मतलब ये जो हम थ्योरम अभी कर रहे हैं वो इस पुरानी वाली थ्योरम की पूरी तरह से अपोजिट है कन्वर्स है। तो इसका डायग्राम दोस्तों वही बनेगा, डायग्राम तो बिल्कुल वैसा के वैसे ही होगा लेकिन यहां पर जो है वो 90 डिग्री अपना बनाते हुए हमें 90 डिग्री को प्रूव करना रहेगा कि हम 90 डिग्री बने। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अ सर्कल सी हू सेंटर इज ओ एंड रेडियस इज आर फिर एबी इज अ कॉर्ड बट ये मुझे नहीं दे रखा है, मुझे दे रखा है कि जो एम है वो एमबी के परपेंडिकुलर है। अब इसी क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको आसानी से समझ में जाए दोनों का डिफरेंस क्या है कि भाई मुझे उस क्वेश्चन में देखा था कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर और